myself, Casey Mishra, we will discuss about dimension. This topic is very important for not only for 11th class student, but also for the students who are appearing in competitive exam like NEET and JEE. And basically, this is first topic, first lecture, and that topic is related to the second chapter of 11th class physics, and the name of that chapter is unit and measurement. So today we will discuss about dimensional analysis aati kahan se hai, dimensional analysis ka origin kya hai. So origin hai physical quantity. Physics mein agar physical quantity ki baat nahi hogi to baat kiski hogi. So physical quantity se hi yahan dimension ko aap solve kar sakte. To main bilkul origin se aapko lekar chal raha hu ki physical quantities hoti kya hai. Dekhiye, aap jante ho एनी क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड, जो भी क्वांटिटी हैं जो मेजर की जा सकती हों, मतलब मापी जा सकती हों, दोज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़. वो सभी क्वांटिटीज़ क्या हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़. टू टाइप्स होते हैं बेसिकली, आप सब लोग जान रहे होंगे, लेकिन मैं यहीं ऐसी जगह से स्टार्ट कर रहा हूँ कि जिससे आपको सब कुछ पता चले कि कहाँ से, कैसे और क्यों. फंडामेंटल, जिसको बेसिक भी बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज को बेसिक क्वांटिटीज भी बोलते हैं. और दूसरी आपकी ड्राइव्ड. आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, नाइन्थ में आपने थोड़ा सा इसका पार्ट पढ़ रखा है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं. ऐसी क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट हों, इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज. देखिए, फिजिकल क्वांटिटी तो कुछ भी हो सकती है, मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, टॉर्क, स्ट्रेस, स्ट्रेन, कुछ भी हो सकता है, प्रेशर, ठीक. लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं वो हमारे पास 7 हैं. कौन कौन सी? मास, लेंथ, ठीक है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं इन, ये अपनी यूनिक है इनकी पहचान, ठीक है. आप ये कह ही नहीं सकते हो कि आपको अगर पोटैटो खरीदने जाने हैं तो आप आलू खरीदने गए और आप ये सीधे सीधे आप केजी ही बोलोगे, उसके साथ आपको टाइम की ज़रूरत नहीं, सेकंड नहीं बोलने वाले हो आप डिस्टेंस नहीं बोलने वाले हो, आपको उसकी क्वांटिटी को बताने के लिए आपको केजी बोलना है, यानी कि मास. तो ये इंडिपेंडेंट है. तो मास हो गया आपका, लेंथ हो गया, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को, मास, लेंथ, और इसके बाद टाइम, ये ए है, आप सब लोग जानते हो. टाइम के बाद जो अगली क्वांटिटी है वो हमारी है टेम्परेचर. मैं टेम्प लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा. मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इसी लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक करंट. और इसके बाद जो सिक्स्थ है वो हमारी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी. और इसके बाद एट लास्ट अमाउंट ऑफ सबस्टांस. ये शायद आपको इधर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ठीक है. देखो बच्चों, अगर समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, हम लोगों की कोशिश भी यही है कि आपको समझ में आता रहे. और अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इस जगह पे दिक्कत आ रही है, हम आपको अगले वीडियो में वो नरेट कर देंगे, आपकी दिक्कत को वहाँ पर दूर कर देंगे, ठीक है. तो अभी आप देखते रहिए. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज को जो लिस्ट है उनकी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को वो मैंने लिख दी. आप जान रहे होंगे मास, यूनिट अगर बात की जाए तो क्या, किलोग्राम. लेंथ क्या होगी आपकी, आप जान रहे हो किसमें, अगर एसआई सिस्टम की, मैं सबकी एसआई सिस्टम की बात कर लेता हूँ, इंटरनेशनल, जिसको पितामह कहा जाता है, पिताजी हैं सब, जितने भी सिस्टम हैं आपके, एमकेएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम एंड एसआई सिस्टम. एफपीएस सिस्टम तो अब ख़त्म हो गया, इंग्लैंड में चलता था पहले. तो मास एसआई यूनिट केजी, लेंथ एसआई यूनिट मीटर, टाइम सेकंड ही है, टेम्परेचर आपका, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट या क्या, केल्विन, क्योंकि एसआई यूनिट की बात हो रही है. तो इलेक्ट्रिक करंट पे आते हैं, करंट एम्पियर. इसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडला सीडी, और ये आपका अमाउंट ऑफ सबस्टांस जो है इसकी मोल हो जाती है. मेरी बात ध्यान रखिएगा, मैं इसको एक बार हिंदी में भी रिपीट किया दे रहा हूँ. मास यानी कि द्रव्यमान, लेंथ यानी कि आपकी लंबाई, टाइम समय, टेम्परेचर तापमान, इलेक्ट्रिक करंट ये आप सब लोग जान रहे होंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता भी जान रहे हैं, अमाउंट ऑफ सबस्टांस भी आप जान ही रहे हो, पदार्थ की मात्रा.
ठीक, अब इसके बाद अब बात कर लेते हैं, यूनिट तो आप पढ़ लिए थे। अगर आप थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा विचार करिए मन में कि जब आप 9th क्लास में गए हो गए, अभी तो आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हो 10th पास आउट करके, आप 9th में भी गए होगे 2 साल पहले, तो अगर आपसे कोई पूछता कि ये बताओ ये फोर्स की यूनिट क्या है, तो आप परेशान हो जाते होगे कि फोर्स की यूनिट तो नहीं पढ़ी, फोर्स पढ़ रखा है, प्रेशर की यूनिट क्या है। तो लेकिन अब क्या आप परेशान होते हो? नहीं होते हो। क्यों नहीं होते हो? क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि यूनिट क्या है फोर्स की। आप जान रहे हो न्यूटन होती है या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसी तरह अब जो आपको पढ़ना है वो यूनिट के बाद अब आती है बात डायमेंशन की। डायमेंशन की बात क्यों आती है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले रिप्रेजेंटेशन आपको बता दूं। मास के लिए अब से आपको यूज करना है एम, मास के लिए आपको यूज करना है एम, लेंथ के लिए यूज करना है एल, टाइम के लिए यूज करना है टी, और टेम्परेचर के लिए क्या फिर टी यूज करेंगे? ना बच्चा ना, इसलिए नहीं कि यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है वो एम है तो यहाँ पे एम लिख दिया, एल है तो एल लिख दिया, टी है तो टी लिख दिया। ये पहले से हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हमको दे रखी थी, ये बेसिक क्वांटिटीज, और मैकेनिक्स में इन्हीं की जरूरत केवल पड़ने वाली है। मैकेनिक्स आपकी इन्हीं पे डिपेंड है, ठीक है, मैकेनिक्स का काम यहीं पे हो जाएगा। इसके बाद टेम्परेचर, अब जो इसकी यूनिट है, बाद में ये सोचा गया कि ऐसा क्यों करें कि इसकी अलग अलग हमको एक याद करना पड़े, इतना झाम नहीं मचाएंगे, आराम से इसको याद करवाएंगे। तो एसआई सिस्टम जो टीम बैठी तो उसने कहा कि ठीक है, जो इनकी यूनिट है वही कर देते हैं। तो टेम्परेचर की यूनिट को ही इसकी डायमेंशन फॉर्म में भी कन्वर्ट करने के लिए हमको दे दिया, और इसको थीटा भी, केल्विन तो यूनिट हो गई, थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे आप। फिर इलेक्ट्रिक करंट आ गया, इसको एम्पियर यूनिट होती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडला सीडी, और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस को मोल्स है, ठीक है। तो अभी आपको इन सब की जरूरत पड़ने वाली नहीं है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस की अभी जरूरत पड़ने वाली नहीं है। और लेकिन मैं आपको बता तब भी दूंगा, ठीक है, लेकिन क्योंकि आपको, आप जान रहे होंगे कि 11th में और 12th में अगर मैं आपको बात बताऊं कि तो अगर आप फार्मूले पढ़ने जाओगे ना तो 400 से प्लस फार्मूले हैं, अप्रॉक्स 400 फार्मूलाज। तो आप अगर इतने फार्मूले आपको याद करने पड़ें तो सब ऑब्वियसली बात है बहुत टफ होगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी टफ होगा ना भाई, जैसे आप वैसे मैं 400 फार्मूले नहीं याद किए जा सकते इतनी आसानी से। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप कम से कम 20 डायमेंशन तैयार कर लीजिए, और उसके बाद जैसे जैसे चैप्टर बढ़ता जाए आगे वैसे वैसे आप डायमेंशन को तैयार करते रहिए, क्योंकि फार्मूला अगर आपको पता होगा तो आप डायमेंशन आसानी से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बेसिकली जो आप जान रहे हैं पहले से वो फार्मूले से आपको उनकी डायमेंशन में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए मैं कोशिश करता हूँ, आप भी इधर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं ये रफ कर देता हूँ, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। दीज आर क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, जो किसी पे डिपेंड नहीं करती। तो अब चलते हैं, मैंने क्या कहा, मास के लिए आप आज से यूज करेंगे क्या एम, लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे एल, और टाइम के लिए आप क्या यूज करेंगे टी। अब मैं आपको बताता हूँ कि डायमेंशन की जरूरत क्या है, डायमेंशन से हमको क्या मदद मिलती है, क्या फायदा है इसका। देखो, एरिया लिखता हूं मैं, मैंने लिख लिया, सपोज दैट मैं लिख लेता हूं एल इंटू बी, एक एरिया है ना, किसका है? आप कह रहे हो रेक्टेंगल का एरिया लिखा हुआ है ये, ठीक है, ठीक। एरिया ही मैं लिख लेता हूं, ये किसका एरिया है? आप आराम से बता दोगे कि ये सर्कल का एरिया है, ठीक है। अब देखिए मेरी बात को समझना, मैं थोड़ा स्पीड अपनी स्लो कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। यहां पे जो भी लेंथ, तो लेंथ है तो ये तो मेजर की ही जाएगी लेंथ में, ब्रेथ भी तो मेजर की जाएगी लेंथ में ही, उसको भी तो आप क्या करेंगे, मेजरमेंट लेंथ में ही तो करेंगे, नहीं करेंगे उसको भी आप जो मेजर करेंगे वो लेंथ में। देखिए लेंथ के लिए क्या है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, हाइट है, डेप्थ है, ठीक है, तो ब्रेथ है, तो ये सारी चीजें लेंथ में ही तो मेजर की जाएंगी। तो अब यहां पे लेंथ के लिए आपको एल लिखना है, यहां पे आपको ब्रेथ भी आप लेंथ में ही तो मेजर करते हो,
तो एल इन टू एल हो गया, यानी कि एल टू दी पावर वन और एल टू दी पावर वन, यानी और ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां से आपकी जो डायमेंशन निकल करके आई वो क्या आई, एल टू। आपको ध्यान आ रहा होगा कि जो इसकी यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है, एसआई सिस्टम में मीटर स्क्वायर, तो यहां से लेंथ स्क्वायर। अब देखो यहां पे बात कर लेते हैं, पाई जो है, पाई पाई क्या है, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14, लेकिन पाई जो है ये डायमेंशन लेस है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि कौन कौन सी है, क्या क्या ऐसा है जो डायमेंशन लेस होता है, क्या हमेशा कांस्टेंट टर्म डायमेंशन लेस होता है या कहीं नहीं होता है, वो मैं भी आगे आपको बताऊंगा। तो ये पाई जो है ये डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। रेडियस को भी तो आप मेजर करोगे लेंथ के ही अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस के प्लेस पे आप एल लिख दोगे और यहाँ पावर कितनी है, 2 है, लगा दीजिए, देखिए एरिया। यानी कि अब समझिए, द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर डिस्क्राइब्ड बाई डायमेंशन। द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज का जो नेचर है वो बताया जाता है किसकी मदद से, डायमेंशन, डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू। अब देखिए नेचर क्या होता है कि एरिया का नेचर ये है कि वो लेंथ पे डिपेंड करती है, ठीक है। एरिया का आप जो भी एरिया के फार्मूलेज लेना चाहते हो ले लीजिए, स्क्वायर का ले लीजिए, साइड स्क्वायर, ठीक है। तो साइड लेंथ में मेजर करोगे एल टू हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ऐसे ही। अब देखिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वैल्यूम की अगर बात करें तो वैल्यूम भी कुछ ऐसा ही है। अभी मैं आपको बहुत बेसिक से लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए वैल्यूम को छोड़ देते हैं, वैल्यूम पे अभी आप ट्राई कर सकते हैं, ऐसा चलो क्यों छोड़ें बता ही देते हैं। वैल्यूम एल बी एच क्यूबॉइड हो गया, किसमें मेजर करोगे, लेंथ में, किसमें मेजर करोगे, लेंथ में, किसमें मेजर करोगे, लेंथ में मेजर करेंगे ना, फर्स्ट ईयर में पहुँच गया, थोड़ा स्पीड बढ़ाना सीखो, ठीक। लोग कहते हैं कि लोग कहते हैं क्या ये सही बात है कि टेंथ से और फर्स्ट ईयर में फिजिक्स का सिलेबस बहुत तेज़ी से छलांग मारता है, ये बात सही है, छलांग बहुत तेज़ी से मारता है, लेकिन हम भी अगर हिम्मत से लगे रहें ना तो चाहे इतना छलांग मारे हमारी पकड़ में रहेगा ना, बाहर थोड़ी जा सकता है। तो ये एल इंटू एल इंटू एल, एल टू द पावर वन 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 ऐड कर दीजिए 3, ये डायमेंशन किसकी आ गई, वॉल्यूम, ठीक। चलिए एक और लिख लेते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, कौन कौन कुछ याद आया, है ना, वैल्यूम का ही तो फार्मूला है। तो वैल्यूम का फार्मूला 1/3 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, गिनतियों के 4, 3, 2, ठीक है, ये सब डायमेंशन लेस हैं। ये डिफेक्ट है इसका कि कांस्टेंट टर्म की जो है हमको, अगर कुछ इसके फायदे हैं तो कुछ इसके नुकसान भी हैं, नुकसान नहीं कह सकते हैं, इसकी लिमिटेशन है। तो यहाँ पे 1/3 पाई, ये भी आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, ये डायमेंशन लेस हो गया पूरा पार्ट, बचा क्या, आर स्क्वायर एच, आर का मतलब लेंथ, तो यहाँ पे क्योंकि लेंथ में ही मेजर होगा, यहाँ से क्या हो गया आपका 2, और ये क्या है एच, ये भी तो लेंथ में मेजर होगा, यानी कि आपकी डायमेंशन क्या निकल गया 2, और ये मल्टीप्लाई हो रहा 1, तो ये क्या हो जाएगा 3, एल 3। मैं क्यूब क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसको बोलने का सही तरीका यही है। अच्छा देखिए, क्या मैं इसको, मेरी बात पर थोड़ा फोकस करिएगा इस जगह पे, L3 है, क्या मैं इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि M भी बुरा ना माने, लेंथ तो है ही है, टाइम भी बुरा ना माने, तो M0 L3 T0 ऑब्वियसली आप लिख सकते हैं। अब ये मत कहना कि थीटा भी जीरो कर दें, जो भी स्टार्टिंग में फंडामेंटल क्वांटिटी बताई, एम्पियर भी जीरो कर दें, करना चाहो कर दो भैया, लेकिन मैकेनिक्स में आपको इतनी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आपने अगर इसको कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि एम जीरो की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है, टी जीरो की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और ये 1 और 1 क्या है, ये तो डायमेंशन लेस है, तो इसका कोई मतलब नहीं, तो यानी कि डिपेंड तो इस पर ही कर रहा है। अच्छा अब डायमेंशन लिखते कैसे हैं, डायमेंशन होती क्या है, ये तो डायमेंशनल फार्मूला आया, डायमेंशन लिखेंगे कैसे, डायमेंशन क्या ये है ना, डायमेंशन है क्या, डायमेंशन आर द पार्ट्स ऑन विच द फिजिकल क्वांटिटीज आर रेज्ड, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जब जाएंगे तो उस पर लिंक पे आप टच करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, उसमें जितनी थ्योरी है वो आपको लिखी हुई मिलेगी, जिससे आपको नोट्स बनाने में आसानी होगी और उसी से आपको नोट्स बनाने हैं।
बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने अपने हिसाब से लिख दिया है, ठीक है। बुक से आपको बुक इस लैंग्वेज से ज़्यादा इजी वहाँ मिलेगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो जो पार्ट्स हैं यही डायमेंशन है, तो इसकी डायमेंशन अगर कोई आपसे पूछे कि वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होगी, तो आप बोलोगे जीरो इन मास, ठीक है, थ्री इन लेंथ एंड जीरो इन टाइम। समझ गए, ये आपकी क्या है डायमेंशन, डायमेंशन यही है, जीरो थ्री जीरो इन एम एल टी, ठीक। तो अब आगे बढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज पे चलते हैं, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं, आई होप आपको थोड़ा बहुत बात समझ में आई होगी। एम एल टी को ध्यान में रखिएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ अब। मास को एम से, लेंथ को एल से, टाइम को टी से डिनोट करेंगे। पहला लेक्चर है इसलिए बहुत बेसिक से लेकर चल रहा हूँ बच्चों, और बहुत बेसिक से इसलिए लेकर चल रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। और ये वीडियो मैं सिग्निफिकेंट फिगर्स और फर्स्ट चैप्टर तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है उसमें, बहुत बेसिक फिजिकल वर्ड, बहुत आराम से आप पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इस चैप्टर में मैंने ये डायमेंशन एनालिसिस टॉपिक पहले इसलिए उठाया क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला की डायमेंशन निकाल सकते हैं, और कुछ आपको मैं बताए दे रहा हूँ, कुछ आप अपने मन से करिएगा। फार्मूले अगर पता होंगे तो डायमेंशन पता चल जाएगी, ठीक है। देखो, बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी, अब ये तो भैया फंडामेंटल क्वांटिटी है नहीं कि हमको डायमेंशन इसकी पता हो, तो क्या करेंगे, वेलोसिटी का फार्मूला लिखेंगे। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो पढ़ा होगा आपने। डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करोगे, ऑब्वियस सी बात है लेंथ में मेजर करोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट के प्लेस पे आप लिखोगे एल, और यहाँ टाइम के प्लेस पे लिखोगे टी। तो ये अब आपको अगर इसको लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, एल और ये टी न्यूमरेटर में जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी माइनस में, ठीक, माइनस वन, और ये क्या हो गया आपका, ब्रैकेट आप बंद करना चाहो, और बंद करने से पहले अगर एम जीरो लिख दो तो कोई दिक्कत है क्या भाई, इसकी वैल्यू तो वन ही है, इसकी वैल्यू तो वन ही है। अब कोई अगर आपसे पूछे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, तो ये है एम जीरो एल टी माइनस वन, यहाँ पे एल वन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दो ज़्यादा अच्छा है। अब और अगर डायमेंशन इसकी कोई पूछे तो जीरो इन मास, वन इन लेंथ एंड माइनस वन इन टाइम। समझ में आई होगी आपको बात, आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए वेलोसिटी के बाद आगे बढ़ते हैं किस पे, एक्सीलरेशन पे आते हैं। चलिए एक्सीलरेशन हम सब लोग जानते, चलो इसको इस ज़्यादा ना बनाते हुए, एक्सीलरेशन आप सब लोग जानते हो कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो पढ़ी है आपने, इज नोन एज एक्सीलरेशन। तो ये हो गया आपका चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। बच्चों चेंज का डायमेंशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेचर तो इसका वेलोसिटी वाला ही रहेगा, चेंज तो वेलोसिटी में हो रहा है तो नेचर तो वेलोसिटी का ही है, चेंज तो टाइम में हो रहा है तो नेचर तो टाइम का ही है, ठीक है। नेचर के ऐसा तो है नहीं कि नेचर ये मीटर में हो जाएगा कि घड़ी में 2:30 और 18 मीटर हुए, ऐसा नहीं बोल सकते ना, कुछ सेकंड बोलेंगे आप। तो डेल्टा वी डेल्टा टी, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा वी क्या है, वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी को आप ब्रेक कर लीजिए, किस में ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, किस में, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में। तो हम पहले ही यहाँ पे ब्रेक कर चुके हैं, तो हमको ऑलरेडी पता हो गई डायमेंशन क्या है वेलोसिटी की, एम जीरो एल वन टी माइनस वन, ठीक है। तो आप यहाँ पे डेल्टा वी के प्लेस पे आप डेल्टा वी, क्या ये देखिए सब अलग अलग हैं, ऐसा नहीं, मैं इसको बस आपको इसलिए सीरीज से लेकर चल रहा हूँ कि आपको एक एक चीज़ समझ में आती जाए कि कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो वेलोसिटी को आप किस में तोड़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में। तो यहाँ से आप तोड़ने की जगह, तोड़ तो यहाँ दिया ही, एम जीरो एल वन टी माइनस वन, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में आप इसको बंद कर देना, बंद करना बहुत ज़रूरी है। डेल्टा टी भाग जाएगा क्या, नहीं, नोटेशन का तरीका है। डेल्टा टी, तो टी के लिए क्या है, टाइम है टी। अब बच्चों ये टी है, ये टी है, तो टी टू द पावर वन है ना, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में पहुंचा तो ये माइनस वन होकर के पहुंचेगा, टी टू द पावर माइनस वन होकर के पहुंचेगा ना, मेरी बात को ध्यान है, ये टी आएगा तो ये ऐसे टी टू द पावर माइनस वन हो जाएगा क्या, यस ऑब्वियसली हो जाएगा, ठीक। तो जब ये ऐसे हो जाएगा तो क्या मैं इसको टी टू द पावर माइनस वन को और इस माइनस वन को अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा, तो अगर माइनस वन ऐड करूं तो क्या है माइनस टू हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो क्या हमारी एक्सीलरेशन की यूनिट ये आ जाएगी,
अब वो सॉरी डायमेंशन ये आ जाएगी, हाँ यही आ जाएगी। तो आप क्या आई डायमेंशन, 0 इन मास, 1 इन लेंथ एंड -2 इन टाइम। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, अब थोड़ा और तेजी से बढ़ेंगे, आपको धीरे धीरे बातें क्लियर हो रही होंगी तो थोड़ी थोड़ा सा तेजी भी बढ़ाइएगा। बात कर लेते हैं फोर्स की, तो फोर्स को भी आप फाइंड कर सकते हो। फार्मूला आप सबको पता है क्या होता है, एम इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास के लिए आपको क्या बताया रिप्रेजेंट करना, एम रिप्रेजेंट करोगे आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, स्पेस अपने पास कम है इसलिए आप समझते रहिएगा। मास के लिए एम, ठीक है। एक्सीलरेशन, तो भैया अभी एक्सीलरेशन की हमने यूनिट फाइंड की है, क्या आई थी, एम, ऐसे लिख दो, एम जीरो एल वन टी माइनस टू, यही तो आई थी। तो अब m कितने हो गए, 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा ना, तो ये हो गया आपका m कितना, 1 l 1 t माइनस 2, एम एल टी माइनस 2। ये आपको ध्यान रखना है, मैंने अभी तक आपसे नहीं कहा कि आई एम ऑलवेज सेइंग दैट डोंट फॉलो द रेक्टिफिकेशन, ऑलवेज फॉलो द कॉन्सेप्ट, मार्क्स विल फॉलो यू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप थोड़ा सा इसको याद रख लेंगे तो कोई बहुत टिपिकल बात नहीं, इसी वीडियो के चलते चलते आपको ये याद हो जाएगा। क्यों कह रहा हूँ याद कर लीजिएगा, क्योंकि फोर्स की ज़रूरत हमको बहुत जगह पड़ने वाली है, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी कहाँ ज़रूरत पड़ जाती है। देखो अगली मैं अगले में ले लेता हूँ वर्क, ठीक है। वर्क का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, ये वर्क का फार्मूला एफ इंटू डी, एफ डी फिक्स डिपॉजिट नहीं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो भैया फोर्स क्या आई, फोर्स का क्या हुआ, तो फोर्स के लिए यही तो है, मैंने कहा था ना फोर्स याद कर लीजिए, बहुत जगह काम आने वाला है फोर्स। देखिए फोर्स की आपको पता है डायमेंशन क्या है, एम वन एल वन टी माइनस टू, और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आपकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। तो आपका वर्क का क्या निकल के आया, M1 L1 एंड 1 टू T टू द पावर माइनस 2। तो ये किसकी डायमेंशन आ गई, वर्क की। वर्क की डायमेंशन बच्चों और एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है। सर क्या मजाक कर रहे हैं कि डायमेंशन सेम होती है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्या याद करके आए, ना याद भी करके नहीं आया हूँ। देखो वर्क की यूनिट अभी देखो, चेक कर लो पहले, अच्छा एनर्जी कोई भी हो सकती है, चलिए मैं काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल ले लेते हैं, क्या होता है फार्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पे एम छूट गया, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ क्या होगा, डायमेंशनलेस होगा, कांस्टेंट टर्म है, एम क्या है, मास है आपका, एम ही लिख दीजिए आप, वेलोसिटी है ना ये, तो वेलोसिटी के लिए आपको डायमेंशन क्या तोड़ने से मिलेगी, फार्मूले में वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट के लिए एल, टाइम के लिए टी, तो आपकी डायमेंशन निकल के आती है एल टी माइनस वन, या एम जीरो एल टी माइनस वन। तो यहां पे आपका हो जाएगा, लिख दीजिए ब्रैकेट में एम जीरो एल कितना, वन, एंड टी माइनस वन, पार कितनी, टू। आप पार को मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वन से मल्टीप्लाई करोगे टू, और माइनस वन से करोगे माइनस टू, ठीक। अब क्या होगा, मास को मल्टीप्लाई करेंगे, वन एंड वन कितना, टू। देखो बच्चों सेम क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी कि एम को एल से मल्टीप्लाई कर दो, ये मत करना, ठीक है। एक मिनट, ये टू और जीरो ये कितना हो गया था आपका, ये जीरो हो गया था, अभी गलती हो गई थी, देखा अभी गलती हो गई थी, ये टू है ना, जीरो से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं, जीरो ही तो रहेगा। तो ये क्या होगा, एम जीरो और एम, एम ही आ गया, एल टू टी माइनस टू। अब देखो मैच कर लो, क्या एम वन एल टू टी माइनस टू है, एम वन एल टू टी माइनस टू है। कैसे पता चला, ऐसे पता चला क्योंकि वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, एनर्जी की जो यूनिट होती है वो भी जूल होती है, और जब यूनिट सेम होती है तो इनकी डायमेंशन भी सेम होंगी। तो ऐसे बच्चों मैं आपको जितने भी फार्मूले कराना चाहूँ करा दूँ, जैसे प्रेशर का फार्मूला आपको करवा दिया जाए कि पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, ठीक है, तो एफ के लिए आपको फिर से वही
क्या एम एल टी माइनस टू, ये वन वन है ध्यान रखिएगा, एरिया क्या एल टू, ऊपर लेकर जाएंगे माइनस हो जाएगा। तो मैं अगर चाहूँ तो आपको बहुत सारी करा सकता हूँ, लेकिन मैं ये कराऊँगा नहीं, क्यों, क्योंकि आप खुद कुछ प्रैक्टिस करिएगा कुछ एक फार्मूले की, तो बहुत सारे फार्मूले, कितने फार्मूले, मैं एक पहला लेक्चर इसलिए बेसिक लेक्चर लेकर के आया था कि आपको हर एक बात समझ में आ जाए। तो बस मैं आपसे एक दो चीज़ें आपको बता दूं और उसके बाद ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करूंगा, अगले वीडियो में मिलेंगे। और इसमें जो भी दिक्कत अगर बच्चों आपको आई है तो आप बताइएगा, तो अगले वीडियो में उस पर आपको क्लियर कर दिया जाएगा अगर आपका कोई डाउट होगा, हालांकि बहुत बेसिक से लेकर के मैं चला हूं। तो ये क्या है, देखिए, क्या कोई ऐसी, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई ऐसी यूनिट है, कोई ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, कोई ऐसी क्वांटिटी है क्या कि जिसकी यूनिट होती हो और डायमेंशन ना होती हो, यह क्वेश्चन नीट में बहुत पूछा जाता है। हाँ होती है, एंगल, एंगल क्या होती है इसकी यूनिट, क्या डिग्री होती है, जैसे 60 डिग्री 90 डिग्री, क्या डिग्री होती है ना, डिग्री जो है ये नहीं होती, क्या होती है, रेडियन होती है ना, रेडियन, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा, अच्छा दूसरी अगर कोई है तो सॉलिड एंगल, एंगल तो अच्छा आप जानते हो कि सॉलिड एंगल जानते हैं क्या, इसकी भी यूनिट होती है स्टे रेडियन, स्टे रेडियन। सॉलिड एंगल क्या है, जैसे कि मैं ऐसे किसी एक पर्टिकुलर स्पेस पे अगर क्या कर रहा हूँ, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्पेस को मैं कवर कर रहा हूँ, जैसे इस बोर्ड को मैंने कवर किया हुआ है, जैसे फैन के ब्लेड्स को मैं ऐसे कवर कर दूँ, तो ये सॉलिड एंगल है। और सॉलिड एंगल की भी जो आपकी यूनिट है वो स्टे रेडियन है, लेकिन इनकी डायमेंशन नहीं होती। अब पूछो आप डायमेंशन क्यों नहीं होती, पूछो कैसे, है ना, पूछोगे कैसे क्यों नहीं होती, मैं बता देता हूँ। जब आप इसको, इसका फार्मूला लिखेंगे तो आपको फार्मूला बनेगा आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क को भी आप लेंथ में ही मेजर करोगे और ये भी मेजर करोगे लेंथ में, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो डायमेंशन लेस हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा ना, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि जिनका भी रेशियो, ठीक है, अगर सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ का रेशियो बन रहा हो, तो वो सभी क्या होती हैं, वो सभी डायमेंशन लेस होती हैं। मैं इसका एक एग्जांपल और दे देता हूँ, जैसे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने टेंथ में पढ़ा होगा, है तो बहुत, लेकिन मैं वो एग्जांपल दे रहा हूँ जो आप अभी तक पढ़ के आए हो टेंथ से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वी वन अपॉन वी टू होता है, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम एंड वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम, है ना, तो वेलोसिटी का नेचर ही तो होगा, इसकी डायमेंशन निकालेंगे, इसकी डायमेंशन निकालेंगे, कैंसिल हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो क्या, पहली चीज, क्या ऐसी कोई है क्या कि जिनका, जिनकी यूनिट हो डायमेंशन ना हो, हाँ है, एंगल सॉलिड एंगल, ठीक है, ऐसी है और भी है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रेशियो, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो हो रहा है तो उनका भी, वो भी डायमेंशन लेस होती हैं। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक बात मैं आपको बता दूं, जब मैंने ये बात कही तो एक सेंटेंस और मेरा सुन लीजिए आप, क्या ऐसा पॉसिबल है, देखिए ऐसा तो पॉसिबल था कि यूनिट थी डायमेंशन नहीं थी, यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, रेशियो हो रहा है ना, सेम सेम रेशियो बन रहा है ना, कैंसिल हो जा रहा है। क्या ऐसी भी कोई फिजिकल क्वांटिटीज है जिसकी डायमेंशन हो और यूनिट ना हो, तो ना भैया ना, ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसका डायमेंशन हो और फिजिकल क्वांटिटी, वो सॉरी डायमेंशन ना हो और यूनिट हो, तो डायमेंशन नहीं, मैं यहां पे लिख देता हूं, डायमेंशन ना हो और यूनिट हो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और यूनिट हो डायमेंशन ना हो, ये पॉसिबल है, आपको मैंने बता दिया। सो आज के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में मिलेंगे बच्चों, प्रैक्टिस करते रहिएगा, पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगी, और जितने फार्मूले आप कर सकते हो, जितने फार्मूले आपको आते हैं वो आप करिएगा, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, और ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले करिएगा। इसके बाद में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन लेकर के आपके साथ आऊँगा। अब तो ये बेसिक हो गया, तो आप थोड़ा जल्दी से हो जाएगा, अगला वीडियो आपको जल्दी मिलेगा, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा पहले। थैंक यू वेरी मच।